हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक हमने डेटा लिया हुआ है। अब ये डेटा ध्यान से देख लीजिए, इसमें प्रोडक्ट आईडी है, नेम ऑफ प्रोडक्ट है, प्राइस है, क्वांटिटी है और टोटल है। तो ये जनवरी का डेटा है, यहाँ पे जनवरी देख सकते हैं, और ये फरवरी का डेटा है, फरवरी का डेटा भी है। प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर सेम है, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट आईडी जो जनवरी वाले डेटा में है वही फरवरी वाले डेटा में भी है, प्रोडक्ट भी सेम है और प्राइस भी सेम है, लेकिन क्वांटिटी डिफरेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी क्या है डिफरेंट है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास तीन शीट है, आपके पास 10, 20, 50 भी हो सकती हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, अलग अलग शीट्स के लिए एक ड्रॉप डाउन बनाना है। और उससे भी पहले हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे डेटा में, कहीं पर भी क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे और उसके साथ क्या कर देंगे, कंट्रोल टी कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास टेबल फॉर्मेट आ जाएगा, मतलब ये टेबल फॉर्मेट के रूप में बदल जाएगा। और यहां से चाहे तो कोई भी एक चूज करके और आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से ये आ जाएगा। ये देख सकते हैं ये आ गया, अब ये बन गया टेबल फॉर्मेट। अब यहां पर जाएंगे तो क्लिक करके आप जिसको चूज करेंगे वही केवल रिकॉर्ड आएगा। तो ये जनवरी का टेबल फॉर्मेट बनाया हमने। फिर यहां पर जाएंगे तो यहां पर भी कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करके और कंट्रोल टी करेंगे और कंट्रोल टी करके यहां से ओके करेंगे तो फिर ये टेबल फॉर्मेट बन जाएगा। और फिर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। जब ऐसे आ जाएगा तो फिर क्या करना है आपको, फिर अगले वाले पे चलना है, यानी मार्च वाले डेटा पे चलना है। यहां पर जाकर के कंट्रोल ए करके और फिर यहां पर कंट्रोल टी कर दीजिएगा, तो ये हो गया। और ये भी किस में बन जाएगा, टेबल फॉर्मेट में बन जाएगा और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इतना जब कर लेंगे तो अगले शीट पे हमें लगाना है वी लुकअप। ठीक है, यहां पे क्या लगाना है, वी लुकअप। तो किस सीट, हमें सीट की डिटेल चाहिए, तो सीट की डिटेल लेने के लिए क्या करेंगे, सीट की डिटेल लेने के लिए हम यहां पे बनाएंगे ड्रॉप डाउन। कैसे बनाएंगे ड्रॉप डाउन, यहां डेटा टैब पे जाएंगे और डेटा टैब पे जाकर के यहां से आपको जाना है कहां, डेटा वैलिडेशन पर। तो ये आगे डेटा वैलिडेशन पर, और यहां से आप क्या करिएगा, लिस्ट ले लीजिएगा और यहां पर क्लिक करके अब लिस्ट बनाएंगे। जैसे यहां पर हम कर देते हैं जनवरी JAN, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर फेब FEB, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर MAR कर देते हैं मार्च। ठीक है, ये हो गया और यहां से ओके कर दीजिएगा तो यहां पर ये डेटा इस तरीके से आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमें एक काम और करना है। यहां पर तो हमारा डेटा आ ही चुका है, इसे मैं एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि ये पता चलता रहे कि हमारा डेटा यहीं पर है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, यहां पर तो देख सकते हैं ये हमारा टेबल फॉर्मेट भी बन गया है, सारा कुछ हो गया है। लेकिन जब हम यहां पर आते हैं जैन पर, तो आप देखेंगे कि यहां पर जो है टेबल डिजाइन पे आएंगे तो इसका नाम है टेबल वन। ठीक है, इसी तरीके से फैब पे आएंगे तो फैब का नाम है टेबल टू, आप चाहे तो इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। और फिर मार्च पे आएंगे तो इसका नाम है टेबल थ्री। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग टेबल का अलग अलग नाम भी मैंने दे रखा है। ठीक है, आ जाते हैं वापिस शीट फोर पर, और ये तो आपको ड्रॉप डाउन नजर आ ही रही होगी। ठीक है, हम क्या करते हैं हेडिंग को कॉपी कर लेते हैं, हेडिंग यानी कि ये हेडिंग, कौन सी हेडिंग, यही हेडिंग हमें कॉपी करनी है, ये वाली हेडिंग। ठीक है, इस हेडिंग को कॉपी करते हैं यहां से, और कॉपी करके यहां शीट नंबर फोर पर आकर के और यहां पर कहीं पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए यहां पर हम पेस्ट कर देते हैं इसे, तो ये पेस्ट कर दिया, तो यहां पर ये दिखने लगा इस तरीके से। ठीक है, यहां पर थोड़ा इसे रिसाइज वगैरह कर लीजिएगा, तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब यहां पर हमें ड्रॉप डाउन बनानी है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है नहीं, तो प्रोडक्ट आईडी आएगी कैसे। तो प्रोडक्ट आईडी को लाने के लिए हमें यहां से डेटा टैब पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है और यहां पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर ही आएगा, लिस्ट बनाना है इसे, और लिस्ट बना करके क्या करना है, लिस्ट बना करके यहां जनवरी फरवरी कोई भी एक डेटा ये पूरा जो है सेलेक्ट करके और एंटर कर दीजिएगा, बस काम हो गया। यहां पर अब प्रोडक्ट आईडी आएगी, देख सकते हैं कितना आसान है ये। और यहां पर तो आपका जनवरी फरवरी मार्च जो भी आएगा वो आएगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं और यहां पर लगाते हैं वी लुकअप। तो ये लगाया वी लुकअप, और वी लुकअप लगाने के बाद हमें क्या सर्च करना है, तो इसी को सर्च करना है और F4 दबा के दोनों रो और कॉलम दोनों को फ्रीज करेंगे, यानी ये बन जाएगा एब्सोल्यूट सेल एड्रेस। कॉमा लगा दीजिएगा, कॉमा लगाने पर यहां पर आपको लगाना है स्विच फंक्शन, कौन सा फंक्शन लगाना है, स्विच। ठीक है, तो ये लगा दिया स्विच फंक्शन, देख सकते हैं। देखिए अब यहां पर क्या करना है, अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर फरवरी की बात हो रही है, तो जो भी है यहां पर, जो भी यहां पे आप देंगे, जैसे मान लीजिए इसको हमने सेलेक्ट किया और यहां पे क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाकर क्या करना है आपको, कॉमा लगा करके यहां पर स्टार्ट करते हैं जनवरी से। अगर जनवरी यहां पर हो तो ऐसे में कॉमा लगाइए और तब यहां पर टेबल वन वाला डेटा आ जाना चाहिए, तो यहां पर लिख देते हैं टेबल वन। ठीक है, उसे नाम हमने टेबल वन दिया था, अगर आपने नाम चेंज किया है तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
फिर यहां पर अगर फरवरी वाला डेटा मैच करे तब क्या हो, तो यहां पे FEB लिखते हैं क्योंकि FEB ही नीचे नाम दिया हुआ है और हमारे पास तीन ही शीट का तो डेटा है, ठीक है। अगर ज्यादा शीट का होगा तो और ज्यादा कर सकते हैं आप। फिर कॉमा लगाइएगा, फिर यहां पर आ जाए टेबल 2, TABLE टेबल 2, ये हो गया टेबल 2, इसको क्लोज करेंगे और फिर कॉमा लगा देंगे। और कॉमा लगाने के बाद यहां पर क्या करना है, मार्च, MAR, ठीक है, तो ये मार्च कर दिया। और यहां पर आते हैं तो यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर लगाना है डॉटेड कॉमा, ओपन करना है, फिर यहां पर डॉटेड कॉमा को क्लोज करना है और क्लोज करके कॉमा लगाना है, तब आ जाए क्या टेबल 3। यहां पर क्या लिख देते हैं, टेबल 3, जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही आपको भी लिख देना है, ठीक है, बहुत इजी है, कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो ये हमने कर दिया है यहां तक, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब आगे आपको ब्रैकेट को क्लोज करके कॉमा लगाना है, और कॉमा लगा देने के बाद क्या करना है, जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे, अब हम क्या चाहते हैं कि यहां पर प्रोडक्ट का नेम आए, यानी नेम ऑफ प्रोडक्ट हम चाहते हैं, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट कौन से जो है सेल में है, तो यहां पर देखिए कॉलम नंबर 1 है ये प्रोडक्ट आईडी, और ये नेम ऑफ प्रोडक्ट कॉलम नंबर 2 है, तो यहां पे कॉमा लगा करके 2 दे दीजिएगा, और 2 दे करके क्या करना है आपको, कॉमा लगा के फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर कर देना है। चीज और ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये टेबल को जो हमने डॉटेड कॉमा में लिखा है, ये डॉटेड कॉमा या सिंगल कॉमा में नहीं रहेगा, ठीक है, केवल आपका जनवरी फरवरी जो डेटा है यही जो कॉमा, सॉरी डॉटेड कॉमा में रहेगा, ठीक है। तो यहां पर जो है इसको हटा देंगे, और हटा करके ये देखिए ये हटा दिया, फिर यहां पे टेबल 3 भी हटा देंगे, ये जो डॉटेड कॉमा दिया है इसे हटा देंगे यहां से, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, बाकी सब एकदम ओके है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आप एंटर करिएगा तो यहां पे सीपीयू आ रहा है, और जैसे ही हम इसको ड्रैग करते हैं इधर की तरफ तो आप देखेंगे यहां पर ये एनए आ रहा है, तो एनए का क्या सलूशन है, आखिरकार एनए का भी तो कुछ सलूशन होगा। इसके लिए आपको यहां पर कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा, जैसे यहां पर F2 करता हूं, फॉर्मूले को एडिट करता हूं फंक्शन को, तो यहां देखिए कॉलम नंबर 2 है, ठीक है, एंटर करते हैं, यहां पर आते हैं, तो यहां पर भी कॉलम नंबर 2 होगा, लेकिन अब इसमें चेंज करना है, यहां पे कॉलम नंबर आपको क्या करना है 3 कर देना है। कॉलम तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले आपको एक और काम करना है, ये जो स्विच का जो पहला वाला हिस्सा है इसे भी आप बना दीजिएगा एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, ठीक है। क्या करना है, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस F4 कीबोर्ड से प्रेस करना है और ये बन जाएगा एब्सोल्यूट सेल एड्रेस, और अब एंटर कर दीजिए, एंटर करके आप इसे ड्रैग करवाइए, ये देखिए ये ड्रैग करवाइए इस तरीके से, लेकिन देखिए यहां पे सीपीयू ही आता जा रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहां पर तो सीपीयू आ रहा है, यहां पर आएंगे और यहां पर कॉलम नंबर चेंज करेंगे, देखिए यहां कॉलम नंबर 2 है, हम यहां पे क्या करेंगे कॉलम नंबर 3 कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो ये आ गया, और फिर यहां पर आएंगे और यहां पर क्या करेंगे कॉलम नंबर 4 कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो यहां पे देखिए ये कॉलम नंबर 4 किया हमने और एंटर कर दिया, तो ये देखिए यहां पे 3 आ गया। अब यहां पे टोटल पे आते हैं और कॉलम नंबर क्या करते हैं 5 कर देंगे, ठीक है, 5 था, ये हो गया 5, और यहां पे देखिए ये सब कुछ आ गया। अब यहां पर हमें डेटा चेंज करना है, जैसे ये तो फरवरी का डेटा है, किसका डेटा है A4 वाले का, लेकिन हमें अगर A6 का देखना हो तो यहां पर A6 का डेटा बिल्कुल सेम है, यहां पर देख सकते हैं हार्ड डिस्क नाम है, प्राइस 1200 रुपए है, क्वांटिटी 6 है, कुल मिला के 7200 रुपए, और किसका है फरवरी का डेटा है। चलिए चेक करते हैं, फरवरी का डेटा है और यहां पर है क्या, चेक करते हैं एक बार, ये है हार्ड डिस्क, ठीक है, तो फरवरी में आते हैं और हार्ड डिस्क कहां पे है, तो ये हमारा हार्ड डिस्क है, ये देखिए ये मैं, और कुल मिला के 7200 है और 6 क्वांटिटी है और 1200 रुपए प्राइस है, तो आइए देखते हैं कुल मिला के 7200 रुपए, 6 क्वांटिटी, 1200 प्राइस और नेम हार्ड डिस्क, देख ही सकते हैं। अगर हम चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें जो है A09 का देखना है, तो 9 का लैपटॉप है और फरवरी का ही डेटा है ये, ठीक है, 9 का क्या है लैपटॉप है और फरवरी का ही डेटा है ये, और यहां पर 40000 रुपए प्राइस है, 3 क्वांटिटी है और 1,20,000 कुल मिला के आया हुआ है A09, तो फरवरी में आते हैं A09 देखते हैं, तो यहां पे लैपटॉप 40,000 प्राइस, 3 क्वांटिटी, 1,20,000 टोटल, लेकिन ये तो काम कर रहा है फरवरी वाले डेटा पर, ठीक है। हम यहां पर अगर जनवरी कर देते हैं, यहां से आते हैं और यहां से जनवरी कर देते हैं, तो क्या ये जनवरी पे भी अप्लाई होगा A09 वाला, तो यहां पे देखिए सारी कुछ चीजें चेंज हो चुकी है, यहां पे A09 ही है, तो यहां पे अब जनवरी में आते हैं और जनवरी में देखिए A09 लैपटॉप है, 40,000 प्राइस है, 7 क्वांटिटी है और कुल मिला के 2,80,000, तो चेक करते हैं कि A09 है, लैपटॉप है, 40,000 और 7 क्वांटिटी है और 2,80,000 प्राइस भी आ रहा है, यानी इसी के मुताबिक ये डेटा भी हमारा चेंज होता चला जा रहा है। यहां पर आते हैं, मार्च कर देते हैं, मार्च करेंगे तो यहां पर देखिए
ये कुल मिला के फिर आ गया कितना, 120,000 लैपटॉप है। तो यहाँ पे मार्च में आते हैं और ये लैपटॉप में आते हैं और 120,000 ही आया हुआ है। कुछ और करते हैं, लाइक यहाँ पर मार्च का ही डेटा है लेकिन हमें कुछ और देखना है। जैसे मान लीजिए हमें देखना है यहां से A02 या A01 ऐसा कुछ देखना है, तो A01 देखते हैं। तो कीबोर्ड है कुल मिला के 9,900 रुपए का कीबोर्ड जो है सेल किया गया है, 300 प्राइस है, 35 क्वांटिटी है और ये डेटा कब का है, मार्च का है। तो चेक कीजिए यहां पर कीबोर्ड की डिटेल, 9,900 रुपए आया है ना, यहां पे देखिए यहां पर भी सेम आया हुआ है। और यहां से अगर हम चेंज करते हैं तो ये भी चेंज हो जाएगा, अगर मार्च के जगह हमें फरवरी का देखना हो तो ये फरवरी का डेटा आ गया, ठीक है। ये डेटा किसका है, फरवरी का है। तो अगर चेक करते हैं फरवरी में सेम है कि नहीं है, तो देखिए फरवरी में भी सेम है और जनवरी में क्या होगा, तो जनवरी चेंज कर देते हैं यहां से। तो यहां पे मंथ का नेम जैसे ही चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा पूरा डेटा। तो ये जनवरी में 1500 रुपए का है, तो यहां पे देखिए जनवरी में 1500 रुपए का आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको करना है, उम्मीद करता हूं एक बार ये कर लेंगे ना तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।